शिक्षा व्यवस्था में होने जा रहा है क्रांतिकारी परिवर्तन और 2021 में CUCT होने के चांसेस अब प्रबल नजर होते आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में केंद्रीय विश्वविद्यालय की एक परीक्षा जो होने वाली है, जिसको लेकर लगातार आपके मन में प्रश्नों की बौछार है, उस पर मैं एक एक बात सुस्पष्टता से आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको एक चेतावनी दे दूं, ये वीडियो आप पूरा देखेंगे ताकि एक एक पॉइंट को समझ सके, नहीं तो आम की जगह इमली समझ लेंगे। और आपको बता दें, यह वीडियो आपके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुझे बनाना पड़ रहा है। पहली चीज की न्यूज रिपोर्ट जो आई है वो ये कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो है होना है 41 केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए, और जो कमेटी बनी थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी है उन्होंने यह कहा है कि हाँ, 41 केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए एक कॉमन एंट्रेंस होना चाहिए। अब प्रश्न ये होता है कि सर, परीक्षा होगी तो कब होगी, उसका पेपर पैटर्न क्या होगा और हमें किस हिसाब से उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो तैयारी के संबंध में पहले तो मैं एक बात आपको बताऊं कि अभी तक जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक आधिकारिक तौर पे घोषणा ना हो जाए, क्योंकि अभी कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है, अंतिम मुहर लगानी है मंत्रालय को, और कई ऐसे रिपोर्ट आते हैं जिस पर मंत्रालय अपनी मुहर नहीं लगाता है, तो जब तक आधिकारिक तौर पर घोषणा ना हो जाए आप अपने पैटर्न पे पढ़ाई करते रहेंगे, क्योंकि उसका कोई नुकसान आपको नहीं होना है। ये जो न्यूज़ कहता है वो भी ये कहता है कि आपके पैटर्न की चीज़ें, आपके सब्जेक्ट की चीज़ें वो उस एंट्रेंस में आपको दिखेंगी। चाहे आप BSc की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप BA की कर रहे हो, चाहे आप कॉमर्स की कर रहे हो, किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, तो जिस लहजे में आप तैयारी कर रहे हैं, जो पैटर्न जहां का है उसको कंटिन्यू फॉलो करते रहें जब तक कि आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाए। और एक एक बात समझिए CUCT 2021 को लेके। सबसे पहला प्रश्न मन में आपके यही आता है कि सर, प्रवेश परीक्षा अगर होगी CUCT की तो कब हो सकती है। तो इस न्यूज रिपोर्ट में कहा गया है कि जून के अंत तक जो है इसी साल 2021 में प्रवेश परीक्षा हो सकती है, और इसकी घोषणा जो है अप्रैल के अंत तक हो जाएगी। तो 15 दिन बचे हैं, आपके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, तो आप धैर्य की भी परीक्षा दीजिए और CUCT की परीक्षा तो आपको देनी पड़ेगी अगर हो गई तो, और नहीं होगी तो अलग अलग विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाएं होती है वो देनी होगी। दूसरा, क्या होगा पेपर पैटर्न? पेपर पैटर्न को लेकर मैं देखिए एक चीज आपको स्पष्ट तौर पर समझाता हूं। पेपर पैटर्न को लेकर एकदम सुस्पष्ट शब्दों में इसमें बताया गया है कि आपका पेपर जो है वह दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। कितने पार्ट में डिवाइडेड होगा बच्चा? दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। एक होगा पेपर ए और दूसरा होगा पेपर बी। पेपर ए जो होगा वह होगा एप्टीट्यूड टाइप, यानी कि उसमें लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, साथ ही उसमें जनरल अवेयरनेस की चीजें जैसे करंट अफेयर्स वगैरह की चीज, ये सब दिखेगा, और इसका जो 50 क्वेश्चन इसमें होंगे। जबकि पेपर बी जो होगा वो आपके स्ट्रीम से संबंधित होगा, आप किस कोर्स के लिए दाखिला ले रहे हैं उससे संबंधित होगा, और उसमें भी होगा 50 क्वेश्चन, और इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम जो है वह दिया जाएगा इस एग्जाम के लिए, तो 100 क्वेश्चन होंगे। अब यहां एक चीज स्पष्ट समझिए, ये वेटेज की बात कि क्या पेपर वन और पेपर बी दोनों मिला के जो मार्क्स आएगा उस पर एडमिशन होगा, या सिर्फ पेपर टू के आधार पर होगा, इसको केवल पासिंग बना देंगे, या दोनों को मिक्स करके लेंगे। इस बात का फैसला अलग अलग विश्वविद्यालयों को अपनी सुविधा अनुसार लेना है कि वो किस तरह के बच्चों का दाखिला चाहते हैं। तो इसका फैसला कौन लेगा? जैसे JNU को लेना है तो वो अलग लेगा, BHU को लेना है तो वो अलग लेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेना अलग लेगा, इलाहाबाद ये अलग लेगा, तो सब लोग अलग अलग फैसला लेंगे। यानी कि आप बिल्कुल भी अपने पेपर की पढ़ाई, तो ये तो तय है कि जो पेपर बी है उसका वेटेज रहना ही रहना है। अब बस देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि पेपर एक का वेटेज कितना करता है अगर ऐसा लागू किया गया तो। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट जो है वह आपका है एडमिशन प्रोसेस को लेके, कि एडमिशन कैसे होगा। सर, अगर मान लीजिए हम JNU में चाहते हैं हमारा BHU हो जाएगा, BHU में चाहते हैं JNU हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। आप लोग परेशान थे इस बात को लेके कि कैसे एडमिशन होगा, तो देखिए जो मार्क्स आपका आएगा उस मार्क्स के बेसिस पे आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा।
आपको बताया जाएगा कि आप भाई फॉर्म भरिए जहां जहां का काउंसलिंग का फॉर्म भरना चाहते हैं। मार्क्स के बेसिस पे आप ट्रीट किए जाएंगे। मान लीजिए आपकी मार्क्स बहुत अच्छी आती है, आप जिस विश्वविद्यालय में चाहेंगे उस विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपको कोशिश बस ये करनी है कि अपनी मार्क्स को ज़्यादा रखना है। जैसे होता है ना नीट में IITs में कि जिसका मार्क्स ज़्यादा होता है उसको ऊपर के कॉलेजेस मिलते हैं, लेकिन उनकी स्वेच्छा होती है। अगर हम मान लीजिए कोई और लेना चाहें, हम रैंक वन ले आए CUCT में और हमको JNU में नहीं पढ़ना है, हमको BHU में पढ़ना है, तो हम BHU में ले लेंगे, या हमको BHU में नहीं पढ़ना है JNU में लेना है तो JNU में ले लेंगे। तो ओवरऑल बात क्या आती है, ओवरऑल बात आती है कि आपके मार्क्सेस जो होंगे उसी पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। आपको बिल्कुल भी किसी कॉलेज में पढ़ने से रोका नहीं जाएगा अगर मार्क्स आप उस योग्य लाए हैं तो। और तीसरा जो पॉइंट है वह है कि 12th के मार्क्स का वेटेज क्या होगा। इस पर कुछ भी क्लियरिटी नहीं है कि 12th के मार्क्स का वेटेज जो है ऐड किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए तो कितना किया जाना चाहिए, या यह भी फैसला विश्वविद्यालय स्तर पे होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको अपनी तैयारी इस हिसाब से करनी है कि जैसे ही CUCT अनाउंस हो आधिकारिक तौर पे आप अपना झंडा गाड़ने के लिए तैयार रहें। एक बड़ा मौका आने वाला है, 41 केंद्रीय विश्वविद्यालय जिनको एक्सपोजर मिलने वाला है इंडिया में। अगर ये लागू हुआ तो ये छात्र हितों के लिए एक बेहतरीन कदम माना जाएगा। मेरे अनुसार इस बात को मैं स्पष्ट तौर पे आपको बता दूं कि छात्रों को इसका कोई नुकसान नहीं होना है, बशर्ते इसको लागू जो है उसी हिसाब से किया जाए जिस हिसाब से लगातार इसको बताया जा रहा है। तो ये था CUCET पर रिलेटेड पूरी जानकारी। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमें ट्वीट पे @worldBHU पे पूछ सकते हैं, या सीधे मुझसे पूछना चाहें तो @SoorajBHUWorld पे सारी जानकारी ले सकते हैं, यहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। चूँकि ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो अपने दोस्तों से परिवार वालों से शेयर करें। और तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए हम लोग BHU एंट्रेंस के लिए ऑलरेडी कोर्सेस चला रहे हैं और इस कोर्स में A to Z चीजें हम पहले से प्रोवाइड कर रहे हैं। बस CUCT आता है तो कुछ जो नए टॉपिक्स ऐड होंगे उसको ऐड करके आपकी तैयारी सुदृढ़ कराएंगे। और आपको बता दें कि BHU एंट्रेंस में लगातार अपना परचम बुलंद किए हुए हैं। 2019 में 2020 में रैंक वन लाते हुए अपना जो है इसने एक इतिहास रचा है। और अगर CUCET होता है 2021 में तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम फिर से रैंक वन के साथ जो है आप लोगों के बीच आए। तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, मैथ्स के लिए, BA के लिए, LLB, BLLB, BCOM और CHS क्लास 9th के लिए, CHS यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 9th के लिए। इसके लिए आप इस नंबर पर 7081690644 इस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। साथ ही प्ले स्टोर से हमारी ऐप जिसका नाम है शिक्षा वर्ल्ड, इसको डाउनलोड कर लें और वहां अपनी रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। मुझे उम्मीद है आप एक एक बात जो है इस वीडियो से समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, एक एक चीज का तोड़ आपको दिया जाएगा। लेकिन फिर मैं जाते जाते आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप जरूर से जरूर बच्चों अपनी पढ़ाई जिस पैटर्न पर अभी कर रहे हैं जब तक कि आधिकारिक घोषणा ना हो जाए जारी रखें। मिलेंगे अगले वीडियो में CUCET से रिलेटेड और बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ, BHU से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मस्त होकर पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मन मस्त रहें और मन में कोई स्ट्रेस नहीं रखें। एक एक चीज़ की जानकारी आपको एकदम सुस्पष्ट शब्दों में BHU वर्ल्ड पे मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।